नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे पर साथियों, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि BSTC परीक्षा में आपको अंतिम 5 दिनों में कैसे तैयारी करनी है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास अंतिम 5 दिन है, तो ऐसे में आपको कैसे तैयारी करनी है। अब आपको पता है अंतिम 5 दिनों में पढ़कर आप 500+ तो ला नहीं सकते हो, ठीक है ना। 500+ तो आपकी आ नहीं सकती अंतिम 5 दिनों में पढ़कर, क्योंकि 500+ वही स्टूडेंट ला सकता है जो पिछले 4 महीनों से या फिर 4-5 महीनों से तैयारी कर रहा है, वही स्टूडेंट 500+ ला सकता है। तो हमें क्या करना है, अंतिम 5 दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें कम पढ़ना है, और आपकी जो घर के पास वाली जो कॉलेज है वो आपको मिल सकती है, ऐसे हम टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। हम 500+ का टारगेट नहीं करेंगे, हम तो बस इतना ही टारगेट करेंगे कि अंतिम 5 दिनों में पढ़कर हमें जो घर के पास वाली कॉलेज है वो कैसे मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है मेरा, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, क्योंकि BSTC से रिलेटेड आपकी जो भी अपडेट होगी, क्लास वगैरह होगी, वो सारी आपको स्टडी लट पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका पूरा कवर नहीं हो सकता, ठीक है। अंतिम 5 दिनों में आपको आपका जो पूरा सब्जेक्ट आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपसे कवर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, यानी आपको लगभग 3 महीने का समय लग जाता है पूरा सिलेबस को कवर करने में, तो ये तो आपसे हो नहीं सकता। अभी मैं क्या करने, 5 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, GK, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और आपकी शिक्षण अभिरुचि। इन 5 में से आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर अच्छी कॉलेज लेनी है घर के पास वाली, तो हमें सबसे पहले अच्छे अंक लाने हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग को हमें इन 5 दिनों में अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, रीजनिंग को हमें क्या करना है, पूरा पढ़ना है। इसमें कितने टॉपिक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करें तब आपके भी 15 टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 15 टॉपिक है। अगर हम एक दिन के, ठीक है ना, अगर हम एक दिन के 3 टॉपिक निकाल सॉरी एक दिन के अगर हम 5 टॉपिक निकालते हैं, ठीक है ना, एक दिन के अगर हम 5 टॉपिक निकालते हैं, 3×3 यानी 3 दिन में हम पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे, यानी पूरे रीजनिंग को कवर कर देंगे। रीजनिंग कुछ ज़्यादा इतना विस्तार से सिलेबस है नहीं, आपको पता है 15 टॉपिक है, तो हम अगर एक दिन के 5 टॉपिक करेंगे तो 3 दिन में हम रीजनिंग को पूरा कर देंगे, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 130+ ला सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम 5 दिन में अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो हमारे 130+ नंबर आ जाएंगे, लेकिन रीजनिंग को हमें पूरा करना है, बिल्कुल से भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और रही बात जीके की, तो जीके को तो हमें बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके बहुत विस्तार से है। और शिक्षण अभिरुचि की बात है, तो शिक्षण अभिरुचि में ये होगा कि सभी ऑप्शन उनमें नंबर डिवाइड किए होंगे, तो उनमें आपके आराम से नंबर बन जाएंगे। जो कुछ भी नहीं पढ़ के जाता है उसके भी जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें 100+ नंबर बनते हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं उसके भी 100+ नंबर बनते हैं, क्योंकि हर बार हमने PTT और BSTC में देखा है जिस स्टूडेंट के 250 नंबर बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, उसमें से 125 नंबर तो उसके शिक्षण अभिरुचि में बनते हैं। तो आप मान सकते हो कि शिक्षण अभिरुचि में तो आपके आराम से 100+ नंबर बन जाएंगे, इसको आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, शिक्षण अभिरुचि की आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी बात रही हमारी रीजनिंग और हमें हिंदी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक को आपको इन सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, रीजनिंग और हिंदी। हिंदी बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द इत्यादि आपको पढ़ने, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कवर कर लेते हैं तब आपके आराम से नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तब आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। हमें इन 5 दिनों में सिर्फ इन 2 सब्जेक्टों को पढ़ना है, क्योंकि हम ज़्यादा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी हमारी बिल्कुल से भी तैयारी नहीं है, तो जीके को नहीं पढ़ सकते हैं, शिक्षण अभिरुचि को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, और इंग्लिश को तो जो एकदम होशियार स्टूडेंट होगा वो भी नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, होशियार स्टूडेंट है, होशियार विद्यार्थी है एकदम, वो भी नहीं पढ़ता है, तो हमें इंग्लिश को तो वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ इन 2 जो टॉपिक है इनको टारगेट करना है, अगर हम इनको टारगेट कर लेते हैं तब हमारे आराम से ज़्यादा नहीं तो 350 नंबर तो हमारे आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना, 350 नंबर तो हमारे इनसे आराम से बन जाएंगे। एक मेरी बात ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट पिछले 4-5 महीनों से तैयारी कर रहा है या फिर जो स्टूडेंट 10 दिन से तैयारी कर रहा है, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि हमें क्या करना है, पिछले 2008 से लेकर, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2008 से लेकर 21, ठीक है, 2008 से लेकर 2021 तक के जो पुराने पेपर है, प्रीवियस पेपर है, उन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है ना, पुराने पेपरों को हमें पढ़ना है, क्योंकि इनमें से निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन यानी 10% क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। एक मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, जीके से आ गया, 2 रीजनिंग से आ गए, 2 शिक्षण, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन तो आप पक्के कर सकते हो। तो हमें इनको पढ़ना है। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको पुराने पेपर वो मिल जाएंगे, इनमें से निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसे आपको अत्यावश्यक पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएंगे। और हमें रीजनिंग और हिंदी को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, हमें पूरा सिलेबस अब कवर नहीं करना है, हमें तो बस इनको पढ़ना है और अच्छे 5 दिनों में तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तब आपके आराम से 350 नंबर बन जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ, मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ,
आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अच्छे से कर लेना। बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद। थैंक यू।